हेलो एवरीवन। तो गुड़ के जो मीठे चावल होते हैं ना, सबको बहुत पसंद आते हैं। देसी घी, गुड़ और ये चावल बड़ा मस्त कॉम्बो है। ये खुशबू ही नहीं अलग होती है। तो आज हम गुड़ के मीठे चावल बनाने वाले हैं गाजर के साथ। बहुत ही मज़ेदार बनेंगे। तो मैं गाजर कद्दूकस कर रही हूँ, और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि और मज़ेदार सी रेसिपी ना आपको फटाफट देखने को मिल जाए। तो बनाना शुरू करते हैं। गाजर कद्दूकस मैंने कर लिया। आप 2-3 गाजर ले सकते हो आराम से। और चावल भी मैंने ना पहले आधा ग्लास चावल लिए, मैंने उनको धो के 15-20 मिनट भिगो के रख दिया था। उससे ज़्यादा अच्छे बनते हैं चावल। अगर आपने नहीं भिगोए ना तो अच्छे से उनको धो लो, 2-3 बार धो लो। उसके बाद मैंने लिया कुकर में देसी घी। अरे देसी घी लेना, उसमें मज़ेदार बनते हैं। तेल नहीं लेना, अगर आप सोचो कि मैं तेल में बना लूँ। देसी घी लेना है कुकर में। जैसे ही घी गर्म हो जाएगा उसमें हम डालेंगे कुछ कुछ ड्राई फ्रूट्स डालेंगे। आप ड्राई फ्रूट अपने पसंद के ले सकते हो। मैंने लिया काजू, बादाम लिया है, और लौंग ली है, इलायची ली है, मैंने जायफल लिया है। जायफल को साबुत नहीं डालना, थोड़ा घिस के डालना है। तो एक्चुअली कई बार जैसे फर्स्ट बार हम कुछ खाना बना रहे हैं ना, हमें पता नहीं चलता जायफल को कैसे डालना है, इसलिए बता रही हूँ। जायफल को घिस के डालना है, सौंफ ऐसे डालनी है, इलायची भी ऐसे डाल देना, लौंग भी ऐसे डाल देना। तो इनको हल्का सा भून देंगे। मैं इस टाइम पे जायफल डालना भूल गई थी, तो मैंने बाद में डाला था। आप देखो वीडियो में, बाद में मैं डाल रही हूँ। तो ये अच्छे से भून जाएंगे। उसके बाद हम डालेंगे इसमें गाजर कद्दूकस की हुई है। जो गाजर अभी डालनी है उसको थोड़ा सा भूनना है, गाजर को थोड़ा सा हल्का सा रोस्ट करना है कि मशी मशी नरम नरम हो जाएंगी, हल्की सी नरम हो जाएंगी। इसके बाद जायफल मैं डाल रही हूँ, पहले मैं भूल गई थी, मैंने आपको बताया कद्दूकस करके ही डालना है। इसको आप पहले भी डाल सकते हो, कोई इशू नहीं है। उसके बाद हमने डालने हैं इसमें चावल। इसी आप जो रेशो से बनाना बहुत परफेक्ट बनेंगे, खड़े खड़े चावल नहीं बनेंगे बिल्कुल आपके। तो ये आधा गिलास के आसपास चावल थे भिगोए हुए, ये डाल दिए मैंने। और आधा गिलास चावल थे तो मैंने 1.25 गिलास के आसपास पानी डाला है। 1.25 गिलास या आप 1.5 गिलास डाल सकते हो, क्योंकि गुड़ भी अपना पानी छोड़ेगा, उसकी चाशनी बन जाएगी, और गाजर भी थोड़ी नरम होकर पकाएंगी ना। और मैंने गुड़ का पाउडर डाला है, आप गुड़ फोड़ के भी डाल सकते हो। गुड़ मैंने लिया आधा ग्लास से थोड़ा कम, क्योंकि गाजर भी ऑलरेडी काफ़ी मीठी है, और बहुत ज़्यादा मीठा हो जाता है ना तो बहुत ज़्यादा नहीं खाया जाता। एज ए स्वीट डिश बना रहे हो तो अलग बात है। बस कुकर को कर देंगे बंद, सीटी आने का करेंगे वेट। जैसे सीटी आ जाएगी बस फिर खाने का वेट नहीं होता है। खुशबू इतनी अच्छी आ रही होती है पूरे घर में, बस कुकर की भाप रिलीज़ होते ही गर्मा गर्म चावल खाएंगे, मस्त मज़ा आ जाता है। तो सबको बना के खिलाना इस बार आप ये गाजर वाले चावल। गाजर की जितनी रेसिपी हो सकते हैं बना ही लो, जब तक कि गाजर है खूब मज़ा ले लो गाजर का। तो इस बार ये आप रेसिपी ज़रूर ट्राई करना, और मुझे बताना आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है। अगर आप कोई और भी रेसिपी मुझसे जानना चाहते हो ना मुझसे, तो मुझे बताना आप कमेंट सेक्शन में, मैं आपके लिए ज़रूर बनाऊँगी, बनाने की ट्राई भी करूँगी। तो तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारी मुलाकात होती रहे। तो खाओ पियो मज़े करो, सर्दी के तो मज़े लो। बाय बाय।